हे एवरी वन वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग अकेडमी अलाइड सो so, इस यूट्यूब चैनल पर मैं हर मंडे ट्यूजडे को सर्जरी के वीडियोज अपलोड करती हूँ तो आज मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है सिस्ट सो लेट गेट स्टार्ट और मैं इस वीडियो के अंदर ये ट्राई करूंगी कि मैं आपको जो भी कुछ समझाऊँ वो आपको याद हो जाए और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आराम से एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनो ठीक है सो सबसे पहले हम सिस्ट की डेफिनेशन दी हुई है उसको पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन है अ सॉफ्ट फ्लक्चुएट स्वेलिंग कंटेनिंग फ्लुइड इन सैक लाइन बाय एपीथीलियम और एंडोथीलियम इस सिस्ट वैसे तो ये कहने को एक लाइन है बट इसको हम डायग्राम में फ्रेम कर लें तो और अच्छे से याद हो जाएगी तो क्या करना है हमें एक सॉफ्ट फ्लक्चुएट मतलब जो थोड़ी सॉफ्ट कोई चीज को हम दबा सकते हैं ना फ्लक्चुएट मतलब इसको हम दबा पाएं तो एक सॉफ्ट फ्लक्चुएट ये क्या बना दी मैंने स्वेलिंग जिसके अंदर क्या है लाइन में क्लियरली लिखा है कंटेनिंग फ्लुएड इन सैक तो इसका ये जो सैक है इसके अंदर हमने भर दिया फ्लुड ठीक है इज बाय या तो ये एपिथेलियम से लाइंड हो तो ये हमने एपिथेलियम बना दी या फिर ये एंडोथीलियम से लाइंड हो तो ये हो गई आपकी एपिथेलियम की लाइनिंग ये हो गया इसके अंदर का फ्लुएड और ये हो गई आपकी सॉफ्ट fluctuate, swelling, and this is called as the cyst. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गई हो और diagram के through आपको ये तीन चार important points भी याद हो gaye हों Next हम बात करेंगे about its classification. ठीक है अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ना दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और यहां पर हम लिख देंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ओके द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज द ट्रूसिस्ट द सेकेंड वन इज द फॉल्सिस्ट ठीक है अब व्हाट इज ट्रूसिस्ट व्हाट इज फॉल्सिस्ट ट्रू सिस्ट जो है ये होती है लाइन्ड बाय एपिथिलियम और एंडोथीलियम क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही ये पढ़ा है कि सिस्ट वही होती है जो कि लाइंड हो बाय एपिथिलियम और एंडोथीलियम तो चलो एक बार इसको यहां से पढ़ लेते हैं ट्रू सिस्ट आर लाइन बाई द इपिथिलियम और एंडोथीलियम दो इफ इन्फेक्टेड इट मे बी लाइन बाई द्रेन्यूलेशन टिश्यू बट अगर ये तो नॉर्मल हो गया बट अगर ये इन्फेक्टेड होगी तो किससे लाइंड हो जाएगी बाई दी ग्रैन्युलेश टिश्यू ठीक है तो ये तो उसकी लाइनिंग की बात हो गई नाउ फ्लुइड ऑफ ट्रूसिस्ट में बी आइदर ऑफ दू वेराइटीज तो ट्रूसिस्ट का जो फ्लूड होता है उसकी दो वेराइटीज है इसके फ्लूड की दो वेरायटी है क्या क्या है फर्स्ट वन या तो ये सिरस और म्यूकॉइड हो सकता है एंड वेरीज इन कलर फ्रॉम ऑलमोस्ट कलरलेस टू ब्राउन स्टेनिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अल्टर्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल आर ऑफन प्रेजेंट इन द फ्लूड अब इसको सिंपल में भाषा में समझ लेते हैं फ्लूड या तो इसका सिरस हो सकता है म्यूकॉइड हो सकता है और उसका जो कलर है वो काफी वेरी करेगा हो सकता है कि वो सिस्ट कलरलेस हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी ब्राउनिश हो नाउ अब ध्यान रखोगे ये ब्राउनिश क्यों होगी क्योंकि ब्लड अगर उस सिस्ट में आ गया है तो उसकी वजह से हमें वो ब्राउनिश दिखेगी और ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स हो ठीक है नाउ हम बात करते हैं फ्लूड सेकेंड फ्लोइड कौन सा हो सकता है एक तो सिरस और म्यूकोइड हो गया दूसरा द कंटेंट में भी पॉरेज वॉट इज पॉरेज पॉरेज हम कहते हैं दलिए को ठीक है मतलब पॉरेज और टूथपेस्ट लाइक उसके अंदर का जो फ्लूड है जो कंटेंट है हो सकता है कि वो टूथपेस्ट जैसा हो टूथपेस्ट लाइक हो ठीक है अब क्यों होगा ऐसा टूथपेस्ट जैसा मतलब गाढ़ा क्यों होगा बिकॉज ऑफ एक्मलेशन ऑफ डी स्क्यूमेटेड एपिथीलियम विथ इन द सिक्रीशन ठीक है तो जो अंदर सिक्रीशन हो रहा है उसमें क्या है उसमें डी स्क्यूमेटेड एपिथीलियम है जिसकी वजह से उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है टूथपेस्ट लाइक ठीक है तो आई होप कि आपको ये ट्रू सिस्ट का पूरा का पूरा मैथड यहाँ पर समझ में आ गया होगा ठीक है समझ में आया हो तो लाइक्स आने चाहिए लाइक आएंगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं आगे आपको ऐसे ही बढ़ाऊंगी लाइक एक एक लाइन में आपको अपने नोट्स के थ्रू बढ़ाऊंगी कि मैं नोट्स से कैसे चीजों को याद करती हूँ नाउ हम बात कर लेते हैं फॉल्सिस्ट की फॉल्सिस जिनको हम सीरोसिस्ट भी बोलते हैं तो ये जो है आपकी दो टाइप की हो सकती है फॉल्सिस्ट मे बी ऑफ टाइप कौन कौन से टाइप है द फर्स्ट वन इज एग्जिडेशन सिस्ट द सेकेंड वन इज द डी जेरेशन सिस्ट अब इसको याद कैसे रखोगे इसको ऐसे याद रखो आप एबीसीडी पढ़ते हो तो क्या बढ़ते हैं हम ए बी सी डी ई और एफ तो याद रखना सॉरी E और लास्ट में आता है आपका F ठीक है तो याद रखना फॉल्स सिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स एग्जुडेशन एंड डी जनरेशन मतलब इसके बैकवर्ड में जाओगे ना तो याद हो जाएगा फॉल्सिस्ट दो टाइप की होगी एक्जुडेशन और डी जनरेशन एग्जुडेशन क्या होती है सच सिस्ट डेवलप फ्रॉम द एग्जुडेशन ऑफ फ्लुइड तो सिंपल पता चल रहा है कि उसके फ्लुइड के एक्सुडेशन से जो बनती है वो हो गई आपकी एक्जुडेशन सिस्ट हम इनके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में याद करेंगे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझो वॉट इज डी जनरेशन सिस्ट सच डेवलप एज डी जनरेशन इन सेंटर ऑफ द मेलेग्नेंट ट्यूमर ड्यू टू हेमरेज और स्टमिक नेक्रोसिस अब नाम से पता चल रहा है जो सिस्ट के डी जनरेशन से बने वो डिजेनरेटिव सिस्ट ठीक है और जो सिस्ट के एग्जुडेशन uh, से बने उसको हम कहते हैं एग्जुडेशन सिस्ट ठीक है सिंपली याद हो गया अब देखो इसको याद कैसे रखोगे इसका एग्जाम्पल मैं एक बार समझा देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देखो एग्जुडेशन सिस्ट का जो एग्जाम्पल है तो यहां पर हम समझेंगे अब एक बार मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ फॉल सिस्ट आर ऑफ टू टाइप एग्जुडेशन एंड डी जेनरेशन नाउ एग्ज्युडेशन जो किसी फ्लुइड की एक्सुडेशन की वजह से बन रही है ठीक है तो एग्जाम्पल में है इसकी स्यूडो पैनक्रिएटिक सिस्ट तो नाम से पता चल रहा है सिस्ट मतलब कि झूठी होगी। तो इसमें लिखा है इंसिस्टेड कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन द लेसर सेक ठीक है तो ये किसकी वजह से बनी लेसर सेक के फ्लिड कलेक्शन ऑफ फ्लिड की वजह से कलेक्शन ऑफ इन द लेसर सेक अब दूसरी क्यों बनी आपकी डिजेनरेशन सिस्ट का एग्जाम्पल क्या है एपोप्लेटिक सिस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ठीक है सो आई होप कि आपको इतना पोर्शन जो है वो प्रॉपरली कवर हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम कंजनाइटल सिस्ट के बारे में बात करेंगे ठीक है मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ ली सिस्ट की डेफिनेशन उसका क्लासिफिकेशन दो टाइप का है फर्स्ट क्लासिफिकेशन में ट्रू फॉल्स उनके एग्जांपल्स एंड ऑल सब पढ़ लिया वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच बाय बाय